डिप्रेशन के कारण इंपोर्टेंस, नपुंसकत्व, निराशा के कारण, उसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तक हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला, यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे पास में एक ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए एक व्यक्ति ने फोन किया। अब उसकी हिस्ट्री मेरे सामने है और अर्थात ये सीक्रेसी के लिए मैं नाम कहाँ कहाँ है बताऊंगा नहीं। उसमें कंप्लेन ऐसी किया है कि भाई मुझे पहले मतलब शादी के पहले से ऐसा सेक्स के बारे में मैं बहुत कुछ उत्सुक नहीं था। शादी हो गई, करीब करीब 2 साल पहले शादी हो गई, और शादी के बाद में भी ऐसा बहुत ज्यादा उत्सुकता नहीं थी सेक्स करने में, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं था, मगर ठीक ठाक कर सकता था। मगर हुआ क्या कि जो अक्सर होता है कि जब शादी के बाद में बस गुप्तगू हो जाती है, फिर तुम्हारा पास क्या था, वो बोलती है तुम्हारा पास क्या था, फिर प्यार प्यार में है ना बोल देते हैं कि हाँ मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड था, ये बोलता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी, फिर मेरा ऐसा था मगर अभी मैंने वो छोड़ दिया वगैरह, ऐसा कुछ तो भी बोलते रहते। नहीं सच्ची बोलो सच्ची बोलो, फिर बोलते हाँ कोई लड़का मेरे ऊपर मर रहा था, तो उसके पत्नी ने ऐसा कुछ तो भी बोल दिया कि भाई मेरे शादी के पहले मेरा एक फ्रेंड था, उसके साथ में मेरी शादी हो सकती थी मगर आगे मैटर बढ़ा नहीं। और फिर उसमें फिर ऐसा बोलने के बाद में उतने था बोले, बाकी कुछ नहीं था, मगर उतने वो बोलने के बाद में उसके दिमाग में वो बैठ गया कि भाई इसका संबंध हुआ होगा, उसने गलत फायदा इसका उठाया होगा, ये तो झूठ बोल रही है, ऐसा तो संभव ही नहीं है। जब उनकी शादी तक बात होने मतलब चल रही थी कि शादी हो जाएंगी, तो फिर तो उसने तो डेफिनेटली सेक्स किया होगा, और फिर वो बातें उसके दिमाग में आने लगी और बाद में उसकी उसका जो इरेक्शन था वो और कम हो गया, उसको वीक इरेक्शन आने लगा, बहुत ही कमजोर इरेक्शन, ज्यादा कठोरता नहीं, और समझो कठोरता आ भी गई तभी भी फिर जल्दी गिर जाना। अब हुआ क्या कि जब ये ऐसा होना चालू हो गया कि कठोरता भी पूरी नहीं है, जल्दी भी गिर जाता है, तो उसका समाधान नहीं हो रहा है। अब खुद का समाधान नहीं हो रहा है, फिर दिमाग में वो चालू कि पत्नी भी समाधान नहीं हो रही होंगी। उसने उसको पूछा नहीं सच्ची बोल, नहीं सच्ची बोल तेरा समाधान हो रहा है क्या, मतलब भाई उसको हो भी रहा होगा तभी भी अभी ये इतने बार उसको फोर्स कर रहा है कि बोल बोल बोलते ना नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा तो उसको लगता है कि अभी नहीं हो रहा तो इसका मतलब अभी और कहीं चले जाएंगी या और कहीं संबंध प्रस्थापित कर लेंगी। फिर बार बार उसके दिमाग में वही विचार आ रहे कि मैं कमजोर हूं, मेरे पत्नी का पहले बॉयफ्रेंड था, अभी उसके साथ में वो कर लेंगे, वो बाहर मतलब मायके जाने का या पियर जाने का नाम भी निकालती है, तो उस वक्त नहीं ये तो उधर उसके लिए जा रही होंगी, उसको तो उसके साथ में संबंध प्रस्थापित करना है, तो फिर उसका काम में मतलब कोई ख्याल नहीं, फिर बॉस से झंझट, आईटी सेक्टर में आईटी कंपनी में काम कर रहा है, बॉस से झंझट हो रही है, बॉस उसको थ्रेटन कर रहा है कि नौकरी से निकाल दूंगा, तुम्हारा ख्याल नहीं है, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तुम काम पूरा करते नहीं हो, प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम हो गई है, और फिर काफ़ी सारे विचार, और फिर काम में मन नहीं, और फिर वो सोच रहा है कि अपन राजीनामा देंगे, अब राजीनामा देंगे रेजिग्नेशन देंगे तो फिर नौकरी चली गई तो फिर नई नौकरी कहाँ से ढूंढेंगे, फिर घर कैसा चलेगा। फिर उसमें उसने उसको पत्नी को भेज दिया घर पे कि जाओ तो अभी यहाँ रहो मत, मेरा दिमाग खराब हो रहा रोज के रोज। फिर वो चली गई तो उसको डाउट कि अभी इसका क्या है, ये क्यों ऐसा कर रहा है, तो ऐसे इसमें वो मेरे पास में आया, मतलब भाई देखो आप इतने स्टोरी में लगे हुए हैं, इतनी सारी ज़्यादा स्टोरी बनाई हुई है, और फिर अभी उसको मैंने बोला अपन साइकोथेरेपी करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, और काउंसलिंग में आपके मन के हम डाउट्स निकालेंगे पूरे। उसको ये भी बोला कि भाई ठीक है आप देखो पहले से ही शादी के पहले से ही आपको उतनी कठोरता नहीं थी, अच्छा वैसी कठोरता आ रही है, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं, मगर उतना उत्सुक नहीं है, तो क्या ऐसा हुआ बचपन में। जैसा मैंने पहले वीडियो में कहा है कि जो सारे प्रॉब्लम यंग लोगों को आते बड़े होने के बाद में, वो शायद कुछ ना कुछ पहले हुआ रहता है उसके वजह से होते हैं। अभी इस केस में ये निकला कि उसने काफी हस्तमैथुन किया था, बहुत बार हस्तमैथुन किया, और उसने कहीं तभी पढ़ लिया कि हस्तमैथुन जो है वो करना पाप है, हस्तमैथुन करना अच्छा नहीं है, हस्तमैथुन में बहुत सारा वीर्य नाश होता है, हस्तमैथुन किया तो बहुत कमजोरी आती है, लिंग टेढ़ा हो जाता है और खुद में कमजोरी आती है, एक बूंद आप यदि वेस्ट करते हैं वीर्य का तो 80 बूंद खून के बराबरी का वो होता है, तो मैंने कितना सारा वीर्य गंवा दिया है, ऐसे इतने सारे विचार, और वो विचारों से फिर उसका धीरे 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 वो कमजोर खुद को लगने लगा, लिंग में कठोरता निकल गई, और उसमें शादी की बात आ गई, शादी भी कर ली, उसको फिजिकल प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था, तो कठोरता तो आनी है क्योंकि फिजिकल प्रॉब्लम नहीं था, दिमाग में विचार चालू थे इसलिए कठोरता नहीं आती थी। फिर मैंने उसको बोला ठीक है अभी क्या, बोले मैं शराब भी पीता हूँ, अभी टेंशन आ रहा था, मतलब वो शराब भी पी रहा है, तंबाकू 8-10 बार मतलब टोबैको चू करता है, तंबाकू खाता है 8-10 बार, वो भी एडिक्शन चालू किया उसने, उससे भी लिंग के ऊपर प्रॉब्लम आते, कठोरता नहीं आती,
मतलब भाई आपको ये तो पूरा इलाज करना पड़ेगा, काउंसलिंग करनी पड़ेगी और ये आपको सेटरेट करना पड़ेगा, ये तो आपको तो डिवोर्स का ही दिख रहा है और डिवोर्स होने के बाद में भी नई शादी करोगे तो क्या, वहां भी सक्सेसफुल कैसे होंगे। तो उसको मतलब दोनों को बुलाओ, मतलब पत्नी को बुलाओ, आप दोनों बैठेंगे और मेरे साथ में आप बातचीत करो। हम क्या करते हैं यूजली कि कहीं कभी, अभी आज तो ऐसा हो गया ये लॉकडाउन के इसमें कि अब झूम से जहाँ वहाँ झूम वीडियो कॉल होते रहते हैं और वीडियो से हम बातचीत करते हैं, अभी ऑडियो भी और वीडियो कॉल है, व्हाट्सएप कॉल है, तो उसमें हम एक दूसरे को देख सकते हैं। जूम कॉल में तो एकदम ऐसा लगता है कि सामने बैठा हुआ है, तो उसमें हम बातचीत करेंगे। हमने उसको बोला और आप बुलाओ उनको, फिर हमने उसके साथ में जूम कॉन्फ्रेंस कॉल किया, वो उसके पीयर है, ये इधर है, मैं उधर हूँ, और हमने कॉल करके उनको काउंसलिंग चालू किया। एक 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 डाउट उनके निकालते गए, उसको कॉन्फिडेंस आते गए और बोले कि ठीक है अभी मैं उसको बुलाता हूँ और हम एक साथ रहेंगे। और वो भी मैंने बोला सबसे पहली बात यह है कि तू पहले पत्नी को पूरा बोल दे। क्या होता है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम जो है वो उसमें 50-60%, 70% फायदा हो जाता है जब वो क्लियरली अपने पत्नी को बोल देते हैं, तो क्योंकि पत्नी को नहीं बोलना और उसको छुपाना उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। मतलब क्लियरली बोल दो कि ऐसा ऐसा है, खुद क्लियरली बोल दिया, उसका टेंशन वैसे दिमाग का कम हो गया। और धीरे धीरे सेशन हम करते गए, आगे बढ़ते गए, 5 सेशन में उसको बहुत फायदा हो गया और उसका सेक्सुअल लाइफ एकदम नॉर्मल हो गया। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।